दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि हम इंसान इस पृथ्वी के सबसे क्यूरियस प्राणी हैं। यही वजह है कि हम इंसान जब भी किसी अलग चीज को देखते हैं तो उसके बारे में जानने की हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है। अपनी क्यूरियोसिटी के कारण ही हम इंसान हर साल बहुत सी डिस्कवरीज यानी कि खोज करते रहते हैं। इन डिस्कवरीज से हमें अपने अतीत के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है, पर कभी कभी इन डिस्कवरीज में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। और आज की इस अमेजिंग वीडियो में हम आपको दुनिया भर में खोजी गई कुछ बहुत सी अमेजिंग डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्हें लगता है कि कुरान, बाइबल और गीता जैसी किताबें काल्पनिक है और इनका वास्तविकता से कोई नाता नहीं, तो अगली ये खोज आपको हैरान कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये किताबें काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक है। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान एक ऐसा सिक्का मिला जो कि हजारों साल पुराना है। मगर इससे भी ज्यादा हैरान करने की बात यह है कि इन सिक्कों पर बाइबल किताब में बताए गए कुछ कैरेक्टर के नाम लिखे हैं। हालांकि इस सिक्के पर लिखे हुए नाम पुराने जमाने की भाषा में लिखे हुए हैं, जिन्हें समझ पाना आज के समय में बहुत मुश्किल है। दुनिया में एक ही आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा है जिसने इस सिक्के पर लिखे शब्दों को पढ़ पाया है, और उस आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस सिक्के पर बाइबल के कुछ कैरेक्टर के नाम लिखे हुए हैं। ऐसे में अगर उस आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सिक्के पर लिखी हुई भाषा को सही पढ़ा है तो वाकई में यह सिक्का इस बात का सबूत है कि ईसा मसीह सच में हमारी दुनिया में अपने अनुयायियों के साथ रहते थे। हालांकि हम इस बात की पुष्टि बिल्कुल नहीं करते कि इस वैज्ञानिक ने जो शब्द पढ़े हैं वो सही ही हैं। ऐसा भी संभव है कि इस वैज्ञानिक द्वारा पढ़े गए शब्द गलत भी हों, मगर फिर भी यह खोज हैरान कर देने वाली है। आज तक आपने बहुत सी ऐसी डिस्कवरीज के बारे में सुना होगा जहां हजारों साल पुरानी इंसानी ममीज को खोजा जा चुका है, और दुनिया भर में कई ऐसी खोजें हो चुकी है जहां हजारों साल पुरानी इंसानी ममी मिलती है। आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानी ममी इजिप्ट में खोजी गई है, और ऐसी ही एक खोज इजिप्ट की राजधानी कायरो से 35 किलोमीटर दूर मौजूद एक जगह पर हुई। मगर यहाँ पर हैरानी की बात तो यह थी कि यहाँ खोजी गई मम्मी कोई इंसान की मम्मी नहीं बल्कि एलियन सिविलाइजेशन की मम्मी थी। दरअसल वैज्ञानिक जब यहाँ पर इंसानी मम्मी को ढूंढ रहे थे तो उन्हें इस खोज के दौरान 8 ऐसी मम्मीज मिली जिनकी शक्ल हमारी आज की हॉलीवुड फिल्मों में दिखाए जाने वाले एलियन से हूबहू मिलती थी। वैज्ञानिकों ने जब इन मम्मीज की गहराई से रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ये मम्मी आज से लगभग 2800 से 2900 साल पुरानी है। मगर इनकी हालत इतनी अच्छी थी कि इन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि ये आज से लगभग 2800 से 2900 साल पुरानी हो। इन ममीज के शरीर पर ठीक उसी तरह डेकोरेशन की गई थी जैसी हजारों साल पहले इजिप्ट के लोग ममीज को दफनाने से पहले करते थे। मगर दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी ये सोच सोच कर परेशान हैं कि आखिरकार इन ममीज का चेहरा और शरीर एलियन जैसा कैसे हो गया। इन ममीज में से 3 ममीज इतनी ज्यादा साफ सुथरी थी कि जिन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हजारों साल पुरानी हो। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन ममीज की गुत्थी को सुलझाने की बहुत सी कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे और उनके हाथ निराशा ही लगी। आज भी इन ममीज का रहस्य कोई नहीं सुलझा सका है। कोई भी नहीं जानता कि ये एलियन जैसे दिखने वाली ममीज आखिर आई कहां से। कोई नहीं जानता कि ये एलियन जैसी ममीज आखिर थी क्या, और ये बिल्कुल एलियन जैसे क्यों दिख रही थी। क्या वाकई में ये कोई एलियंस की ममीज थी या फिर कुछ और। वैज्ञानिक आज भी इन ममीज का रहस्य नहीं सुलझा सके हैं, और ये 8 ममीज आज भी एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये ममीज कोई एलियन सिविलाइजेशन की थी या नहीं, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर को सब्सक्राइब कर पास ही बने बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।
वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।